गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल, आपका स्वागत है इम्पीरियल क्लासेस राजूरा में। जिस जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, उसने बहुत सारी गलती कर दी है। जिस जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आपके तरफ आने वाला जो करंट है, जो आपको बिजली लगती है, इलेक्ट्रिकल पावर आता है, जिसके आप इस्त्री करते हैं और बिजली का लाइट भी देखते हैं, उसके बारे में पढ़ने जाने वाले हैं। तो करंट लगने से पहले जो मेरा जो चैनल है इम्पीरियल क्लासेस राजूरा, वो आपको सब्सक्राइब भी करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और राइट हैंड साइड वाली जो बेल आइकन की बटन है वो दबाना ना भूलना है। उसके साथ साथ लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो बच्चों, आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी, जो 12 नंबर का चैप्टर है, जो CBSE पोर्शन से बिलोंग करता है। NCERT के बुक्स में 12 नंबर का चैप्टर है, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले ये चैप्टर में पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ मैं बता दूंगा, और इसके साथ में जो आपको डाउट आएंगे उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। जिस जिस बच्चों को डाउट आता है ना, ये पढ़ाने के बाद जिस जिस को बच्चों को डाउट आता है, हम आपको फ्री ऑफ कास्ट, बच्चों ये पूरा लेक्चर सीरीज जो करने जा रहे हैं वो पूरा फ्री ऑफ कास्ट करने जा रहे हैं। आपके आपके तरफ से कोई फीस नहीं लिए जाएंगी, और मेरा जो जिसको जिसको डाउट है उसने मेरा नंबर सेव कर लेना है, और आपको इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। हर एक संडे को आपको मैं रिप्लाई देते जाऊँगा, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको रिप्लाई, उसके साथ साथ आपके पूरे डाउट क्लियर होने तक हम आपके साथ रहेंगे। आने वाले पैंडेमिक सिचुएशन में आपके स्कूल की हालत क्या रहती है अपने को पता नहीं है, तो अभी ऑनलाइन सेशन में अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12। कौन सा चैप्टर नंबर? चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। जो मेरा नंबर है, जिस जिसके पास नहीं है वो प्लीज़ करके मेरा नंबर है नोट डाउन कर लेना है, 7083832605। क्या नंबर है? 7083832605। आप कभी भी ये नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम है स्वप्निल पहानपट्टे। तो बच्चों चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या? जो आप देखते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी आप देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक बार जाके है ना, अपने घर के करंट जो फ्लो चल रहा है बल्ब का, उसको हाथ लगा के देखिए। बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि आपको वो करंट लग सकता है। करंट लगने से क्या होता है आपको पता है, बताने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मैच्योर्ड लोग हो, मैच्योर्ड है इसीलिए 10th तक पहुँचे हैं। तो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके पहले में जानते हैं ये चैप्टर में डिटेल्स में क्या पढ़ना है। ये वीडियो में क्या देखेंगे, चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पैंडामिक सिचुएशन, जो COVID-19 की पैंडामिक सिचुएशन के कारण अपन घर में बैठे हैं, उसके कारण कुछ पोर्शन डिलीट भी हो गए हैं। ये डिलीटेड पोर्शन भी मैं बताऊंगा, ये चैप्टर में से कौन सा पोर्शन डिलीट हो गया है और कौन सा पोर्शन आपको इम्पोर्टेंस है। तो चलते हैं, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज। कौन सा टॉपिक है? पहला टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इलेक्ट्रिकल चार्ज रिप्रेजेंटेशन इज क्यू। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप ये चैप्टर को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, इसके बिना पढ़े आपको आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो फ्लो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसका रिप्रेजेंटेशन है आई। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? आ है। इसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के भी डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसको बैटरी कैसी लगाई जाती है उसके भी बारे में पढ़ेंगे, पूरे फ्लो ऑफ डायरेक्शन के साथ कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। उसके टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो वो ये हो गया इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो है पहला पोर्शन है। सेकेंड वाला पोर्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? सेकेंड वाला पोर्शन है इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट का रिप्रेजेंटेशन है आई, बड़ा आए, कैपिटल आए। उसके बाद वाला पोर्शन है थर्ड,
जो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करता है, आपको V से रिप्रेजेंटेशन करने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको डेल्टा V रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करना है, पोटेंशियल रिप्रेजेंट नहीं करना है। पोटेंशियल के लिए अपन क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वी ओनली, और लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, डेल्टा वी। डोंट बी कंफ्यूज, आई विल मेक श्योर दैट वी विल प्रिपेयर ईच एंड एवरी वीडियो इन डिटेल्स, यू विल फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट, सो यू कैन गेट इंटरेस्ट हैप्पीली, यू कैन एंजॉय द सब्जेक्ट दैट नेम इज फिजिक्स बाय स्वप्निल। तो ये हो गए तीन कंसेप्ट, तीन टॉपिक हो गए। तो अगला टॉपिक है, चौथा जो टॉपिक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसका रिप्रेजेंटेशन है आर, जो फ्लो होता है उसको अपोज करने वाला जो रहता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी जो आपके अंदर जो डब्ल्यूबीसी रहती है, जैसे बायोलॉजिकल टर्म में अपन डब्ल्यूबीसी बोलते हैं ना, उसी तरह एक आदि वायर में, एक आदि कंडक्टर में रेजिस्टिविटी रहती है, उसके ओन डब्ल्यूबीसी रहते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन है रो, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो आगे है रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो उसके बाद में हीट जनरेशन ड्यू टू करंट, जो हीट जब फ्लो होता है। अभी मान लेते हैं अपन इसको, ये जो दो पेन है, ये जो मार्कर पेन है, इसको घसेंगे, तो देर इज अ रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, देर इज अ रेजिस्टेंस, एंड देर इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस देर इज व्हाट इज देयर, देर हीट इन जनरेटिंग बिटवीन देम, व्हाट इज देयर हीट जनरेट इन बिटवीन देम। अपना हाथ भी पकड़ लीजिए, तो मानते हैं अपना हाथ जो है, अपन इसको ऐसे ऐसे करेंगे, तो अपने हाथ में जो हीट आती है, उसी तरह जो करंट फ्लो होता है वायर से, उसी तरह बिकॉज ऑफ करंट फ्लो एंड चार्ज फ्लो देर इज हीट जनरेशन इन बिटवीन। उसके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे, पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जो होता है पावर लास्ट में है, जो होता है पावर, पावर विदाउट यू कांट मूव एनीवेयर, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर देन ओनली यू विल शो योर पोटेंशियल, विदाउट दैट यू कांट। इट्स का रिप्रेजेंटेशन है पी, व्हाट इज दैट रिप्रेजेंटेशन है पी, जो इलेक्ट्रिकल पावर है, खुद का पावर नहीं बताना है यहाँ पे, इस किसका पावर बताना है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर बताना है, किसका किसका, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल करंट का कितना पावर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट आई कितना है, चार्ज क्यू कितना है, उसके सभी के सभी फॉर्मूले अपन डिराइव करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, मजा लेते पढ़ेंगे। तो उसके बाद में उसके एप्लीकेशंस हैं, बिल्कुल है एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन है, ये छः के, पहला कौन सा है इलेक्ट्रिकल चार्ज, सेकेंड कौन सा है इलेक्ट्रिकल करंट, थर्ड कौन सा है पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, फिफ्थ कौन सा है हीट जनरेशन ड्यू टू करंट, बिकॉज ऑफ देयर इज फ्लो इन द करंट देयर इज अ हीट इन बिटवीन देम। नेक्स्ट कौन सा है, छठा नंबर है इलेक्ट्रिकल पावर, इसको भी अच्छे से अपन पढ़ेंगे। इसके मैं आपको अभी से बता देता हूँ, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, इसका भी सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ताकि आपको काफ़ी कंफ्यूजन ना रहे, काफ़ी कंफ्यूजन भी ना रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट ना आए, इसलिए हम सेपरेट बनाएंगे। तो उसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं अदर्स टर्म्स, इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस कौन से हैं, ये भी पढ़ते जाएंगे। अदर्स टर्म में ये वाला आता है, कौन सा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, मिस्टर ओम्स वॉज देयर, वन ऑफ द साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट इन द इलेक्ट्रिसिटी, ही डिराइव्ड द ओम्स लॉ, ही हैज गिवन द ओन रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल, ओके व्हाट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ही हैज गिवन द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, व्हाट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देयर आर इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट वी हैव टू शो इन अ ओम्स लॉ। थर्ड सेकेंड वाला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बिकॉज ऑफ हीट जनरेशन इन बिटवीन देर इज सम हीट मे बी डेवलप, व्हाट इज दैट हीट मे बी डेवलप, बिकॉज ऑफ दैट
we learn this Joule's law of heating, and third is applications of heating effect of electric current. What is that? Application of heating effect of electric current. Current के generation, current flow होने के बाद जो heat generate होता है उसके applications कौन से होते हैं, जैसे अपने को पता है fuse, जैसे अपने को क्या पता है fuse, अपनी iron rod, iron, वो भी applications of heat generation है ना, बिल्कुल है, ये भी पढ़ेंगे. लेकिन बच्चों आपकी pandemic situation के कारण, ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन 2019 से अपने देश में चल रही है, उसके कारण CBSE जो पोर्शन है उसने दो पोर्शन डिलीट की है. कौन से पोर्शन? ये वाला जो पोर्शन है आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इट इज डिलीटेड. व्हाट इज दैट? डिलीटेड फॉर 2021 एग्जामिनेशन. व्हाट इज दैट? It is deleted for the 2021 examination CBSE 10th board के लिए. तो my dear friends, ये था पूरा description about ये electricity chapter के बारे में. मैंने पूरा description दिया है अपने को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. आपको घर बैठे बैठे पढ़ना है तो मेरा जो channel है Imperial Class, आपको subscribe करना है, बेल आइकॉन तो दबाना ही है, भूल के भी इधर उधर नहीं करना है. तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बेल आइकॉन भी दबाना है, सब्सक्राइब भी करना है, ना भूलना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है आपको दोस्त को भला करने के लिए. आपके अपने अपने फ्रेंड्स जो है, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में कोई बच्चा होगा 10th में, उसको बिल्कुल भेजना है. तो अलविदा करते हैं इसी के साथ. जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लेते हैं. तो बच्चों चलते हैं, बाय बाय, सी यू अगेन.